नेपाल के टॉप 5 सिटीज में विराटनगर का नाम आता है। लव फ्रॉम नेपाल भैया, ये नेपाल का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनने के लिए जा रहा है। तो यार फिर एक नया दिन और फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है विराटनगर नेपाल से। टूर अप करवाने में हमारा मदद हमारे डॉक्टर साहब करेंगे। तो चलना कहाँ है आज? चलिए विराटनगर घुमाते हैं। विराटनगर में जो कुछ मतलब अच्छे अच्छे जगह हैं वो सब घुमाते हैं। और विराटनगर तो वैसे मेडिकल का हब माना जाता है, वो सब जगह भी दिखाते हैं। वैसे इस साइड नोवेल मेडिकल कॉलेज है और डॉक्टर साहब तो विराट मेडिकल कॉलेज में है। वैसे डॉक्टर साहब के मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं यहीं से। एंड गाइज, आजकल वीडियो पे हमारे कमेंट आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाइक वगैरह कुछ दिखाते नहीं हो, बस सिर्फ बोलते हो। तो यार आप लोग बताओ, हमारे किस वीडियो में आप लोगों को बाइक या राइड से रिलेटेड कुछ दिखता नहीं है? हम लोगों का चैनल राइड से जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियस यार बाइक तो दिखेगा ही। और आगे जाके हम लोग मोटो ब्लॉग भी स्टार्ट करने वाले हैं। इस जाते जाते हमारे 2 सब्सक्राइबर मिले हैं। वीडियो देखते हो हमारा? हाँ देखता हूँ भैया। लास्ट वीडियो आपका निंजा वाला देखा है जो बहुत पसंद आया। अभी मेरे फ्रेंड्स लोग को भी बोल दूंगा, आप लोग भी बेल आइकन और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर दिलवाओ अपने नेपाल से। और अभी तो फिलहाल सपोर्ट लव फ्रॉम नेपाल भैया। तो ठीक है भाई, फिर मिलेंगे एकदम। चलो बाय बाय। सामने जो आप लोग देख रहे हैं ये है विराट मेडिकल कॉलेज और हमारे डॉक्टर साहब यहीं से अपना MBBS कंप्लीट करेंगे। ये बिल्डिंग वगैरह जो देख रहे हो ये क्लिनिकल साइड है। मेडिकल फील्ड में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्री क्लिनिकल होता है और क्लिनिकल होता है। अच्छा। ये इधर जो बिल्डिंग वगैरह देख रहे हो ये कैंपस जो है ये क्लिनिकल का है। अच्छा। यहाँ पे मतलब डिवीजन किया गया है, क्लिनिकल को अलग कर दिया गया, प्री क्लिनिकल को अलग कर दिया गया। अब बहुत कॉलेजेस में ऐसा है कि जो साथ में कंबाइन ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का प्री क्लिनिकल अलग है और क्लिनिकल अलग है। लेकिन अभी फिलहाल ये जो देख रहे हो ये क्लिनिकल साइड है और अभी प्री क्लिनिकल साइड में जाना अलाउड नहीं है क्योंकि उधर हॉस्टल वगैरह है, बहुत स्टूडेंट वगैरह रहते हैं, इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि अभी कोविड का केसेस नेपाल में बहुत ज़्यादा है। और मतलब स्टूडेंट वगैरह जा सकते हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो जा सकते हैं, बाकी बाहर के जो गार्जियन वगैरह हैं वो भी आएंगे तो उनको भी अलाउड नहीं है अभी बिना RT-PCR का। इस वजह से अभी हम लोग उधर का कवर नहीं कर पा रहे हैं प्री क्लिनिकल साइड का। अभी कोविड का केसेस वगैरह कम होगा तो फिर जरूर दिखाएंगे प्री क्लिनिकल साइड में। ये अभी कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है विराट मेडिकल कॉलेज में। ये नेपाल का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनने के लिए जा रहा है और आने वाले टाइम में विराट मेडिकल कॉलेज 1 ऑफ द बेस्ट कॉलेज होगा नेपाल का। बहुत बड़ा कॉलेज है यार वाकई में यार। अभी तो भाई ये कॉलेज डेवलपिंग फेज में ही है क्योंकि अभी ये कॉलेज को स्टार्ट हुए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मतलब 6-7 साल ही हुआ है कॉलेज स्टार्ट हुए हुए, और 6-7 साल में इतना ज़्यादा डेवलप किया है। बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलपिंग फेज में ही है कॉलेज। अभी आगे देखिए, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज होंगे नेपाल का। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप ये मेनली फॉर कोविड ही है। जो देख रहे हो अंडर कंस्ट्रक्शन है कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए, इसमें सबसे ऊपर में हेलीपैड भी बनने वाला है। विराट नगर में रोड वगैरह बहुत अच्छा है यार। यहाँ पे बहुत अच्छा रोड सब है, यहाँ हर गली में रोड मिलेगा और वो भी बढ़िया रोड। हाँ ये चीज़ हम देख रहे हैं, अच्छा रोड मिलेगा एकदम पूरा। ऐसा रोड अपने एरिया में नहीं है, बहुत नीट एंड क्लीन है यार। हाँ बहुत साफ सुथरा भी मिलेगा और इन्वायरमेंट भी यहाँ का बहुत अच्छा है। अभी हम लोग ये मेन रोड नहीं जा रहे हैं, ये हम गली वाला रोड है। अच्छा गली वाला रोड देखो कितना अच्छा है। चलो बिट्टी अब तुमको यहाँ का विराट नगर का सबसे बड़ा मॉल है। हाँ सेंट्रल मॉल, सेंट्रल मॉल बोल के तुम नाम सुना होगा। ये है सेंट्रल मॉल, फाइनली वी रीच सेंट्रल मॉल। पहले हम लोग बाइक को पार्क करेंगे पार्किंग में। बाइक पार्क करने के बाद फिर आप लोगों को तो यार ये है सेंट्रल मॉल का पार्किंग एरिया। आते आते हम लोगों को मेरा एक भाई है तनवीर भाई, तनवीर भाई से मुलाकात हुआ है। अब तनवीर भाई के साथ हम लोग सेंट्रल मॉल घूमेंगे एकदम एकदम है ना।
चलिए तो आप लोगों को दिखाते हैं सेंट्रल। चलिए चलिए, ये मेरे माता बाई फारविसगंज से MBBS पढ़ते हैं। मतलब जितना नाम सुने थे ना, वाकई में उतना खूबसूरत भी है ये। बहुत खूबसूरत भाई, रात में तो और खूबसूरत लगता है। ये बस स्टॉप है। हम लोग अगर हम लोगों को कपड़ा वगैरह लेना होता है नेपाल में तो यहीं लेते हैं। आइए आप लोगों को मिलवाते हैं। मतलब ये क्या है, कैसा है भाई? यहाँ पे जो है ना नेपाल है भाई, यहाँ कुछ भी डेकोरेट कर दिया जाता है। और देखो अच्छा ही लग रहा है, मस्त लग रहा है। ये सेंट्रल बाजार, इसके अंदर में तुमको कपड़ा वगैरह, स्लीपर वगैरह, शूज़ वगैरह सब चीज़ मिलेंगे, लेडीज जेंट्स सब का। अच्छा अच्छा, हर चीज़ मिलेंगे। ऊपर चलते हैं। ओह भाई भाई भाई, ये सेंट्रल मल्टीप्लेक्स है। मतलब अभी बंद है, कोविड की वजह से बंद है। अब जब खुलने का परमिशन आएगा उसके बाद खुलेगा। वैसे फोटोग्राफी के लिए अच्छा स्पॉट है। बहुत अच्छा है, यहाँ पर लोग ज़्यादातर फोटोग्राफी के लिए ही आते हैं। यहाँ के सामने में सेंट्रल गेमिंग जोन भी है बच्चा लोग के लिए, बहुत अच्छा गेमिंग जोन है। वहाँ सामने में आप लोगों को दिख रहा होगा, उस साइड में सेंट्रल फूड कोर्ट है खाने वाने के लिए। बाहर में खुला में भी खाने के लिए है, देख सकते हैं आप लोग। बच्चों लोग के लिए बहुत अच्छा है। तो यार गाइस, ये था विराट नगर का सेंट्रल मॉल। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, शाम होने वाला है, थोड़ा सा और शूट करना है। तो गाइस, ये था विराट नगर का सेंट्रल मॉल और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा और भी घूमना है हम लोगों को विराट नगर। टाइम कम है, चलिए फिर घुमाते हैं आप लोगों को। वैसे विराट नगर का नाम नेपाल के टॉप 5 सिटीज़ में विराट नगर का नाम आता है। और विराट नगर वैसे बहुत बड़ी सिटी है और हमारे सिटी से फॉरबिसगंज से ये बहुत नियरेस्ट है। अप्रोक्स 15-20 किलोमीटर होगा। मौसम का मिजाज अचानक से चेंज हो गया है और बहुत तेज़ बारिश होने लग गया है। हमारे सारे मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और बारिश छूटने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश का आनंद ले रहे हैं हम लोग, आनंद भी ले रहे हैं। वैसे अभी हम लोग कोशी हॉस्पिटल में हैं, विराट नगर के कोशी हॉस्पिटल में। एक जानने वाले का एक्सीडेंट हो गया था, कॉल आया तो हम लोग इमीडिएटली यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अभी उनका जो भी प्रोसेस है वो करवा रहे हैं। बहुत तेज़ बारिश हो गया स्टार्ट यार, देखते हैं अब कब छूटता है बारिश। यार लगभग शाम तो हो ही गया है और अभी तक बारिश छूटा नहीं है। और यार बारिश के साथ साथ चाय का मज़ा ही कुछ और है। तो फाइनली बारिश अभी कम हुई है और अभी हम लोग जा रहे हैं चिया घर। एंड गाइस, फिर कभी आएंगे विराट नगर तो पूरा टूर अप होगा अच्छी तरीके से। यार मौसम में बदलाव अचानक से हो गया और हम लोगों ने सोचा नहीं था बारिश इतनी देर तक हम लोगों को घेर लेगी। और वीडियो कैसा बना है ये आप लोग देख के बताओ। और अभी एक कैफ़े जा रहे हैं हम लोग, मेहताब का कहना है कि वहाँ पर चाय बहुत अच्छा बनता है। चलते हैं चाय टेस्ट करते हैं वहाँ का। और सुनने में आया है कि एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है वहाँ का। तो गाइज़ हम लोग पहुँच चुके हैं चिया घर, चिया स्टेशन कैफ़े। तो यार हम लोग पहुँच गए हैं चिया घर और मेहता भाई का कहना है कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चाय मिलता है। और यार लाइटिंग वगैरह बहुत गजब तरीके से यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। तनवीर फ्रेंच फ्राई
तो दोस्तों फिलहाल चिया घर में हो रहा है पेट पूजा और मोमोज वगैरह और चाउमीन वगैरह यहाँ पर बहुत बेहतरीन है, टेस्ट लाजवाब है। मोमो आ गए हैं, अब फटाफट मोमो ख़त्म करते हैं। हमारे तनवीर भाई टूट पड़ी एकदम, टूट पड़ते हैं। हाँ गर्म हो भाई, मुँह में जाके ठंडा हो जाएगा। मुँह में जाके ठंडा हो जाएगा, पहले तुम लो मुँह में। मुँह तो धुआं निकला भी बाहर गए। और गरम लो। भाई लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और चैनल बताने में मेहताब भाई हमारी मदद कर रहे हैं। ये हमारे मित्र लोग हैं नोबेल मेडिकल से हैं, ये लोग भी यहीं पे हैं नोबेल मेडिकल में सारे। नंबर खोलो, चाय भी आ गया है और चलिए चाय पीते हैं। चीयर्स। 1.3 के मस्त चाय। अच्छा यहाँ तो दोस्तों ये था चिया घर, जैसा कि मेहताब ने बताया कि यहाँ पर बहुत बेहतरीन चाय और मोमोज वगैरह मिलता है। तो मोमोज और चाउमीन तो ट्राई कर लिया है, स्वाद बहुत बेहतरीन था। और फिलहाल अभी हम लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं और ये देखिए क्या कर रहा है, ये वीडियो बना रहा है हम लोग, ये अपनी गर्लफ्रेंड को स्नैप भेज रहा है शायद। तो गाइस हम लोग चिया घर से अब निकल चुके हैं, आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही, तो फिर बाय बाय।